अस्सलाम वालेकुम। आज हम बुखारी राइस बनाने जा रहे हैं, इसके लिए मैंने आधा किलो राइस लिया है और आप पाव पर 2250 ग्राम टोमेटो लिए हैं और एक टी स्पून जो है हमने जिंजर गार्लिक लिया है, चॉप जिंजर गार्लिक लिया है, ओके, और ग्रीन चिली लिया है और गरम मसाला, लौंग, इलायची, ये सब आप ऊपर से राइस में डाल सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैं अभी चिकन स्टॉक इसके में डाल और इसके साथ चिकन स्टॉक बनाएंगे। चिकन स्टॉक बना के हमारी राइस के लिए चिकन स्टॉक, वैसे तो फुल चिकन का स्टॉक निकालते हैं, अभी मेरे पास चिकन नहीं था सो हमने सोचा चिकन स्टॉक बना लें। इसके लिए जैसे मैंने एक चम्मच जिंजर गार्लिक चॉप लिया है और उसको ऑयल में डाला, हरी मिर्चा डाली, ये चॉप टमाटर भी डाल दिए, इसी में हम चिकन क्यूब्स डाल के और पानी डाल के बॉयल कर लेंगे, बस हमारा चिकन स्टॉक तैयार हो जाएगा और उसके बाद हम बुखारी राइस डाला है। थोड़ा सा पानी अभी और ऐड करते हैं। ये मैंने टमाटर इसको भुना है, टमाटर को जिंजर गार्लिक मैंने जो है चॉप जिंजर गार्लिक लिया, थोड़े से ऑयल में डाल दिया, उसी में प्याज डाल दी, हरी मिर्चा ज़रा सी डाल दी और टमाटर डाल दिया, उसी में ये देखिए क्यूब्स है जो तो उसका चिकन स्टॉक बनाने के लिए इंस्टेंट ही हम चिकन क्यूब्स यूज़ कर लेंगे तो इसका हम चिकन स्टॉक बना लेंगे। इसको मैंने इसमें डाला है ताकि ये जल्दी से फटाफट तैयार हो जाएगा, जो जॉब वाले हैं, जो काम वाले हैं, उन लोग के लिए जल्दी से ये बन जाता है। अब चिकन का सूप बनाने तक पहले चिकन का स्टॉक बनाए फिर उसमें बनाए, इसलिए मैंने इसके स्टॉक बना लिया है इसी का क्यूब्स का, ताकि इंस्टेंट भी आपके पास अगर चिकन का ना हो तो आप ये राइस बना सकें आराम से। ये मैंने इसको पानी को रख दिया, अब ये बॉयल हो जाएगा, बस इसका ये चिकन स्टॉक तैयार हो जाएगा, उसके बाद फिर हम चिकन बुखारी राइस बना। स्टॉक तैयार है, ये मेरा चिकन स्टॉक है, अब हम इसको बुखारी राइस को दम लगा लें। ये देखिए मैंने गैस ऑन की, इसके लिए बहुत लाइट मसाले का बनना, ज़्यादा बहुत वसा नहीं होना चाहिए, हरेरा फरेरा, और सेला राइस में बनेगा ये। सेला राइस को थोड़ी देर भिगो दें, अब इसमें हम ऑयल डालेंगे, तो आपको ऑयल चाहिए बहुत हल्का ऑयल इसमें स्टॉक में, क्योंकि ऑयल नहीं होता इतना। इसमें जिंजर गार्लिक डाल देंगे, चॉप जिंजर गार्लिक, और इसमें ग्रीन चिल्ली डाल देंगे, डाली क्योंकि चलती है। ये देखिए जिंजर गार्लिक थोड़ा ब्राउन होने लगा है, जब गोल्डन ब्राउन हो जाए बस इसी में ग्रीन चिल्ली डाल के और टमाटर डाल देना है जो मैंने चॉप करके रखा हुआ टमाटर, जिसको इसी में भून लेंगे, ये भून जाएगा, इसी में चॉप डाल के बस राइस दम कर लगा। ये देखिए टमाटर भून गया अब पूरा तरीके से, और ये अब इसी में हम राइस डाल देंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, ये इसका स्टॉक में पूरा चावल स्टॉक पे ही बनता ही है, ये अब इसमें बन जाएगा पूरा, बस अब इसका नमक टेस्ट करके इसको बंद कर देते हैं और इसमें जो है डाल दे रहे हैं इसमें, और इसमें आपको जितना टेस्ट में नमक आए उतना डालिए, और इसको सेला राइस में मैंने बनाया, वैसे तो सेला ही राइस में बनता है, अगर आप बासमती राइस बनाना चाहते हैं अरवा वाला तो बस बना सकते हैं, ये सेला बासमती राइस है। ओके, अब इसको हम क्लोज कर देंगे। चावल का इसका ये बॉयल हो चुका है, पूरा दम पे लगना है, अब इसको हम हल्का सा कलर डाल के इसको चाहे देसी घी ऊपर से डाल दें, बटर डाल दें, जो भी डाल के फिर इसको दम लगा देंगे। इसको बस हल्का सा दबाव लगना है, इसमें हम हल्का सा कलर डाल देंगे, वो भी अगर चाय डालें चाय ना डालें, वैसे तो बुखारी राइस प्लेन भी अच्छा लगता है बट हमें कलर भी ना अच्छा नहीं लगता है, सो आप भी कलर डालें और अच्छा कलरफुल लगेगा, मज़ा आएगी। ये देखिए कलर डाल देंगे इसको, और फिर इसमें चाहे आप देसी घी लगा दें चाहे बटर लगाएँ, तो थोड़ा सा इसका क्या फ्लेवर ऊपर से थोड़ा सा अच्छा लगता है, नहीं तो रूखे रूखे राइस लगेंगे। पे आप चिकन लगा के खाएं, चाहे स्टू बना के खाएं, चाहे मटन टिक्का बना के इस पर रख के खाएं, अगर
चिकन टिक्का बना के खाएंगे, इस पर वो भी अच्छा लगेगा, स्टू खाएंगे वो भी अच्छा लगेगा। इसको मैंने बस धीमी आंच पे रख देंगे, एकदम दम लग चुका है वैसे तो, बस थोड़ा सा और वो हो जाएगा तो धीमी आंच पे रख के बस दिस इज रेडी। बस को गार्निश करिए थोड़ा सा, इसमें हमें कैरेट और जो किशमिश होती है उसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और इस बुखारी राइस रेडी हो गया, हम इसके लिए इसमें ये कैशू काजू डाल रहे हैं और इसमें हम काजू एंड यस इज इसमें हमने हल्का सा बटर और ऑयल डाला है, जिसमें हम और किशमिश डालेंगे, इसमें डेकोरेशन में अच्छी लगती है। फिर ये जो है थोड़ा सॉटे हो जाएगा, इसको इसमें कैरेट डाल देंगे, इसी में हम कैरेट डाल देंगे और सब एक साथ सॉटे हो जाएगा। अभी किसी किसी को नहीं अच्छा लगता है कैरेट ये सब, तो आप ऊपर से सिर्फ डेकोरेशन के लिए डालें, जिसको नहीं अच्छा लगता है वो निकाल सकता है, ऐसे खा सकता है, बट बुखारी राइस में पड़ता है। और किशमिश ये सब इससे गार्निश कर दिया और इसके ऊपर एक चिकन, आप रोस्ट करके चिकन इसके साथ खाइए, अलग खाइए, जो भी आपकी मर्जी है जैसे खाइए, पर ये ऐसे तैयार हो गया बुखारी राइस।